नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों शूट पे जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ गया था 5 बजे, नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया और बलराम आ रहा है तो उसके साथ निकल जाऊँगा। तो 64 योगिनी लोकेशन है, वहाँ पहुँचना है। 64 योगिनी मंदिर है बेड़ा घाट, वहाँ पहुँचना है शूट के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, बलराम आ जाए फिर निकलते हैं। तो दोस्तों बलराम के साथ जा रहा हूँ 64 योगिनी मंदिर, जहाँ हमारा शूट लोकेशन है। दोस्तों ये देखिए, यह है 64 योगिनी मंदिर और यहाँ पर शूट है। देखिए दोस्तों ये शूट चल रहा है, कैमरा लगा हुआ। ये देखिए मैं पहुँच गया था, आ गया था और शूट पे ही लग गया डायरेक्ट। ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, अभी थोड़ा समय मिला है, मैं बना रहा हूँ। देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं। देखिए ये कैमरा ये है, अरे कैमरा ये है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी लाइट लेके जा रहे हैं प्रोडक्शन टीम के लोग, सेटिंग वाले। वो जो देख रहे हैं आप ऊपर गमछा लपेटे जो, वो डायरेक्टर साहब है। और ये लोकेशन है जहाँ शूट हो रहा है, ये है 64 योगिनी मंदिर, माता रानी का मंदिर ऊपर पहाड़ पे। अभी चलेंगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरी लोकेशन जहाँ शूट हो रहा है और ऊपर मंदिर है। दोस्तों ये देखिए यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ का लोकेशन का शूट हो गया, अब यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं सब सामान। ये देखिए अब ऊपर शूट होगा और मैं जा रहा हूँ चेंजिंग के लिए, चेंज करके आता हूँ। ये देखिए कैमरा वगैरह का ये सब आर्टिस्ट है और साथ। तो दोस्तों ये देखिए एक पुराना मंदिर है और अभी हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं यहाँ पर शूट करने। ऊपर की शिफ्टिंग हो गई, ऊपर का भी शूट हो गया है और हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब अभी जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता पानी करने। ये है पंचमठा मंदिर, ये देखिए। तो एक व्यू दिखाता हूँ यहाँ से जहाँ नाश्ता करने आया था मैं। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, ये देखिए माँ नर्मदा जी हैं, ये नाममी देवी नर्मदे हर। ये देखिए बहुत सुंदर लोकेशन, हमने ऊपर से देखा था, अब मैं नीचे आ गया हूँ। यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर, अभी शांत है नदी, पानी यानी गिर रहा था तो पानी मटमेला है, मालूम ही आपको बरसात में पानी मटमेला हो ही जाता है। ये देखिए बहुत सुंदर दिखता है यहाँ का नज़ारा। और ये नर्मदा जी हैं सामने, देखिए ये त्रिपुर 64 योगिनी मंदिर का क्षेत्र है, अंदर मंदिर है, शूट हो रहा है। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं। ये आर्टिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं सब, शूटिंग का सामान रखा हुआ है। देखिए कितना हाइट पे है ये मंदिर। ये देखिए, देखिए कितने हाइट पर है ये मंदिर। ये देखिए नुहान नर्मदा जी है, वो बहुत ऊंचाई पे ये मंदिर। तो देखिए ये पूरा 64 योगिनी के मंदिर के पीछे का जंगल है। ये देखिए बांस वगैरह लगे हुए हैं और ये मुख्य मंदिर है ऊपर। भोलेनाथ जी का और माँ पार्वती जी का मंदिर है ये। यहाँ पर मतलब जब भोलेनाथ जी माँ पार्वती जी से शादी किए थे तो शादी करके उनको अपने घर लेके जा रहे थे नंदी पर बैठा के,
तो वो मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, करीबन 1200 AD का है। हाँ, इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा परेशानी, 12वीं शताब्दी का है। यहाँ देखिए कितने सारे बेल के पेड़ लगे हैं, ये बेली बेल मिलेगा आपको। हालांकि पहले यहाँ पर द्वार था प्राचीन काल में, तो ये देखिए पूरा बंद कर दिया, वहाँ से बना दिया। पहले ये देखिए, ये द्वार था, मुख्य द्वार। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको शूट दिखाते हैं और मंदिर भी घुमाते हैं। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों ये देखिए, ये 64 योगिनी मंदिर है। यहाँ 64 योगिनियाँ जो हैं वो विराजमान हैं। तो यहाँ शूट चल रहा है, ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये 64 योगिनी मंदिर, यहाँ पर नंदी पर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी विराजमान है। और ये उनके विवाह के समय की मूर्तियाँ हैं, जिस पर माता भगवान शिव माता पार्वती जी को ब्याह के ले जा रहे हैं। वो प्रतिमा अंदर विराजमान है, अंदर वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है। दोस्तों मंदिर की ऑफिशियल साइट से मैंने ये वीडियो डाउनलोड किया है, ताकि आप भी दर्शन कर सकें कि मुख्य मंदिर के अंदर कैसी प्रतिमा विराजमान है। आप देख सकते हैं ये पूरी प्रतिमा विराजमान है, और ये भोलेनाथ माँ पार्वती नंदी जी के ऊपर विराजमान है। प्राचीन मंदिर है, 12वीं शताब्दी का। दर्शन करिए आप भी और दर्शन का लाभ लीजिए। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर। 64 योगिनी मंदिर। और यहाँ एक मतलब हमारे फिल्म के गाने का शूट चल रहा है, चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कैसा है। और यहाँ पर गाने का शूट चल रहा है, सारे आर्टिस्ट खड़े हुए हैं। ये देखिए, गाने का शूट चल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ 64 योगिनी मंदिर में हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक गाने का शूट चल रहा है। मेरा एक सीन हो चुका है और अभी दूसरा सीन बाकी है जो गेस्ट हाउस में होगा। अब ये देखिए मेरे पीछे पूरा शूट चल रहा है, और ये मंदिर है 64 योगिनी मंदिर, और ये गाने का पूरा सीक्वेंस चल रहा है। ये देखिए, चलिए आपको दिखाता हूँ जब शूट चालू होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ शूट की तैयारी चल रही है, अभी शूट रुका हुआ है। और मेरा भी शूट है, मतलब मेरा दूसरा सीन है अभी होगा। इस गाने के बाद ये गाना ख़त्म हो जाए, फिर मेरा शुरू होगा। ये देखिए रिहर्सल चल रही है गाने की, जो कोरियोग्राफर है उनको समझा रहे हैं कैसे क्या करना है। देखिए प्रैक्टिस चल रही है, फिर टेक लेंगे। देखिए टेक चल रहा है, चालू हो गया। पीछे पिंटू जी, आप जरा तो बाहर जाइए, पीछे आ जाइए। एक सीन को कई बार करना पड़ता है जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। ये देखिए फिर से वही टेक ले रहे हैं। दोस्तों मेरा सेकंड शूट चालू होने वाला है, और ये मेरा पूरा कॉस्ट्यूम है। देखिए वही शर्ट है, पैंट ब्लैक है, और अब चालू होने वाला है, विलन का रोल है मेरा, तो कुछ ही देर में चालू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थक गया। ये दुकान है, तो इसके सामने हमारा शूट हो रहा है। ये पेटी से सब कैमरा वगैरह निकल रहे हैं, सब आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट। मैं अनिल कुमार सोनी छोटा जरूर कर रहा हूँ, गीताप्पा का MLA का असिस्टेंट हूँ, MLA का रोल कर रहे हैं चरण राज। तो दोस्तों मेरा सूट ख़त्म हो गया, और अभी जा रहा हूँ पंचवटी घाट थोड़ा सा मिलने, और
मिल लेते हैं उनसे, देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो, है ना। अगला डेट का फिर शूट का बता देंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अभी थोड़ा उजाला है फिर एंड करेंगे। तो दोस्तों शूट ख़त्म हो गया है और अब मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा मिलना था मिल भी लिया। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपका ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।